अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तानी सबसे ऊपर है, काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। पाकिस्तानी कौम का अज़्म और हौसला किसी मुश्किल के सामने सर नहीं झुकाता, चाहे चैलेंज कितना ही बड़ा क्यों ना हो। पाकिस्तानी हमेशा अपनी सलाहियतों के बलबूते पर कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। एक ऐसी ही कहानी आज हमारे सामने आती है, जब दुनिया की 50 से ज्यादा बड़ी कंपनियां एक मुश्किल प्रोजेक्ट को नामुमकिन समझते हुए मुस्तरद कर चुकी थी, मगर 3 पाकिस्तानी ड्राइवरों ने वो प्रोजेक्ट कबूल कर लिया और अपनी मेहनत, अजम और लगन से इसे कामयाबी से मुकम्मल करके दिखाया। ये सऊदी अरब में 3 बोइंग 777 तैयारों को जद्दत से रियाज मुंतकिल करने का मंसूबा है। ये प्रोजेक्ट एक मुश्किल तरीन रास्ते पर था। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये थी कि ये पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्तों की बिना पर बहुत सी कंपनियां और ड्राइवर इसे करने से घबरा गए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोचकर पीछे हट गए कि ये रास्ता इतना मुश्किल है कि वहां पर तैयारों को लेकर जाना तकरीबन नामुमकिन है, मगर 3 पाकिस्तानी ड्राइवरों ने इस मुश्किल को एक चैलेंज समझकर कबूल कर लिया। इन ड्राइवरों ने अपनी गैर मामूली मेहनत और जहानत से इस प्रोजेक्ट को सारे अंजाम दिया। इनाम में हर ड्राइवर को 58 लाख मिले। सबसे अहम बात ये थी कि इन्होंने अपने काम को दिल से किया और मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी पीछे नहीं हटे। पहाड़ियों की दुश्वारी, तंग सड़कें और मौसम की सख्ती भी इनके कदमों को रोक न सकी। इनकी बेखौफी और हौसले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी जहां चाहे वहां कामयाबी के परचम गाड़ सकते हैं। ये कहानी हमारे लिए एक सबक है कि नाकामियों और चैलेंजों से घबराने के बजाय उन्हें कबूल करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तानी ड्राइवरों ने नामुमकिन को मुमकिन बना कर दिखाया, इसी तरह हम सब को अपनी जिंदगी की मुश्किल हालात में हौसले और अजम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तानी कौम में वो जज्बा मौजूद है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। चाहे कितने ही लोग आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन जब आप अपने मकसद में सच्चे होते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन ही जाती है। इस कहानी का पैगाम यही है कि जब पाकिस्तानी अपनी काबिलियत और मेहनत पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती।